अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ स्पाइस बाज़ार की हट्टी पे, जो कि आपको अंदाज़ा होगा देख के कि कितना खूबसूरत और एडिबल और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेबल अरेंजमेंट उन्होंने करके रखा हुआ है। तो हमने सबने फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि क्यों ना स्पाइस बाज़ार का प्लान किया जाए, क्योंकि टाइम हो गया था गेट टुगेदर किए हुए। तो मैंने कहा चलें चलते हैं, और साथ ही मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी साथ लेकर चलूँ और एक दफ़ा रेस्टोरेंट का व्यू भी दिखा दूँ कि कितना खूबसूरत और VIP अरेंजमेंट इन्होंने रखा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत और वेल मैनेज्ड इनका स्टाफ है। वैक्सीनेटेड लोगों के लिए इन लोगों ने जो एंट्रेंस है वो इंडोर पे इन्होंने रखी हुई थी कि आपकी हाइट इंडोर इंजॉय कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं दूसरे वाली रूम में, और जो आउटडोर इन्होंने है वो नॉन वैक्सीनेटेड के लिए रखी हुई थी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और जो है एलिगेंट अरेंजमेंट था इनका। कुछ कुछ चीज़ें जो थी जो इसकी डेकोरेशन में और भी ज़्यादा इजाफा करनी थी, इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा सारा किया हुआ था, और मैं आपको बाहर के व्यू की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखें इतना खूबसूरत, गर्मी का दिन था थोड़ा सा, तो साइड पे इन्होंने साइड फैंस भी लगाए हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत इनका अरेंजमेंट था खाने पीने का। तो जी ये फर्स्ट टेबल ये वाली है हमारी थी, तो मैं ये हमारे लिए बुक थी, तो मैंने कहा चले बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड पर फाउंटेन चल रहा है और खूबसूरत व्यू है इनका। चले मैं अब आपको हाईटेक की चीज़ों की तरफ लेके चलते हैं। देख सकते हैं इनके डिज़र्ट्स में कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, तरह तरह के गुलाब जामुन और फिरनी और पुडिंग और खीर और केक्स एंड एवरीथिंग, बहुत मज़े का था। और ये एपिटाइज़र्स का साइड है, यहाँ पे आपको सैलड, चना चाट, रशियन सैलड, कैबेज सैलड, पास्ता सैलड, चना चाट, दही भले और सिंपल सैलड, फ्रूट चाट, हर चीज़ आपको अवेलेबल थी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। यहाँ पर आते हैं हमारे इनका मेन कोर्स, यहाँ पर मिनी बर्गर्स, फ्राइज, पैकेटीज, लज़ानिया और चिकन मंचूरियन, एग फ्राइड राइस, फ़िश चीज़ बॉल्स और चिकन टिक्का और सी कबाब और इवन पिज़्ज़ा, और हर लिहाज से बहुत खूबसूरत वैरायटी थी इनके पास खाने पीने की। ऑब्वियसली आते साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम ड्रिंक इन्होंने दिया, विच वॉज मिंट मार्गरिटा। मैंने अपने लिए तकरीबन सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने प्लेट में डाल लिया ताकि मुझे हर चीज़ का टेस्ट आए और मुझे पता चले कि वैरायटी कैसी है। इतने में हमारी हाइटी ओवर हो गई विद इन 1.5 आवर का, तो मैंने कहा चले अब अपने घर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, मैंने ये वीडियो शॉर्ट बनाई है लेकिन टाइम हमारा वहाँ पे बहुत एलिगेंट और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रहा। मैंने आपको अपनी वीडियो में एपिटाइज़र्स, सैलड्स, डिज़र्ट्स और मेन कोर्स सब कुछ दिखाई, इनके यहाँ पर वैरायटी थी और हर चीज़ बहुत मज़े की थी और बहुत ही खूबसूरत और नफासत से इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। स्पेशली जब लाहौर का मौसम इतना खूबसूरत हो तो ऑब्वियसली दिल खुद ही करता है कि बंदा चलो बाहर जाए और ज़रा थोड़ा बहुत ना इन्जॉय करके आए। और मैंने कहा चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ मेरा ये गेट टुगेदर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।